इनका बायकॉट भी हुआ है 14 पत्रकारों का, ये भी बहुत लेट हुआ है। देखिए, इनको आप पत्रकार नहीं कह सकते हो, ये सरकार के भोंपू हैं, ये दंगाई हैं। बेरोजगारी का मसला हो, बढ़ती महंगाई का मसला हो, बढ़ती सांप्रदायिकता का मसला, अगर इन पे कोई आंदोलन नहीं खड़ा होता है, कोई भी जीत के आएगा, हारेगी जनता। चाइना से कहीं ना कहीं मोदी जी खौफ तो खाते हैं, ये लाल आंखें दिखाने वाली बात जो है गले से उतरती नहीं है, ये कहने की बातें होती हैं। फासीवाद विरोधी आवाज़ें हैं, उनको हम कहीं ना कहीं इंटिमिडेट करें, उन्हें डराने का काम करें। या तो आप उनको बंद करवाएंगे, या आप उन्हें डराएंगे, या ऐसे फंडिंग वंडिंग के मामले में उलझा के जेलों में भरेंगे, यही तो कर सकते हैं ना। जो डराने का काम दूसरे को करता है, ये नहीं भूलना चाहिए वो खुद डरा हुआ है। पुलवामा मोदी जी के टाइम में हो गया, संसद का हमला वाजपेयी जी के टाइम में हो गया, ये सारे हमले इन राष्ट्रभक्तों के टाइम में, राष्ट्र की अच्छे से लगता है सिक्योरिटी सेफ्टी कर नहीं पा रहे। देखिए, दंगा तो कभी स्पॉन्टेनियसली होता नहीं है, दंगा भड़काया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, और वो मैन्युफैक्चर की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो आरएसएस है। देखिए, उनकी तो मंशा ये थी कि पूरे हरियाणा को ही दंगों की आग में झोंक दे, लेकिन हरियाणा की मेहनत कर जनता को सलाम है कि उन्होंने इस पूरे साजिश को नाकाम किया। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर यूनिटी अपनी कायम रखी और इनके भ्रामक प्रचार में नहीं आए। लेकिन जो मैं तो ये कहूँगी कि ये जो इनका बायकॉट भी हुआ है 14 पत्रकारों का, ये भी बहुत लेट हुआ है। देखिए, इनको आप पत्रकार नहीं कह सकते हो, ये सरकार के भोंपू हैं, ये दंगाई हैं, ये अंधराष्ट्रवाद फैलाने वाले लोग हैं, ये वहाँ पर जो स्टूडियोज़ के अंदर वो करते हैं। अभी जैसे मैं तो देखती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कोई भेज देता है, पाकिस्तान में महंगाई इतनी बड़ी। अबे तुम्हें पाकिस्तान की बड़ी है, तुम अपने देश में देख लो अभी हाल क्या हो रहा है। और तुम ये कर करके इन्होंने 2014 से लेकर अब तक सरकार की खूब लल्लो चप्पो की, लेकिन वो लल्लो चप्पो अब काम नहीं आ रही है ना, क्योंकि एक ऐसा अल्टरनेटिव भी खड़ा हो रहा है यूट्यूब्स के ज़रिए। अब आप ही लोगों के चैनल जो हैं, बहुत छोटे छोटे चैनल्स भी हैं, उनको देखने वाले भी लोग हैं, और जब लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि सरकार का नैरेटिव जा रहा है, सरकार का प्रोपेगेंडा जा रहा है, और जनता पैसिव है, जनता निष्क्रिय है, वो सोचती नहीं है। नहीं है, जनता भेड़ नहीं होती है कि आप कहीं भी चरा ले जाओगे, जनता भी सोचती समझती है। और जब उसके भौतिक आर्थिक और जो उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए असली मुद्दे हैं, जब वो उससे सामना होता है ना, तब ये हिंदू मुसलमान बहुत दिनों तक काम नहीं आता। और आज देश की जनता भी ये समझ रही है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो ये अल्टरनेटिव मीडिया का एक मॉडल है उसके ज़रिए, लेकिन अपने ज़िंदगी से भी तो पहचान रही है, और कहीं ना कहीं सरकार इससे बौखलाई हुई है। देखिए, 2024 में मैं मानती हूँ कि मोदी सरकार अपनी आसन्न हार को लेकर थोड़ा डरी हुई है, वो सशंकित है, वो नहीं, उनको ये कंफर्म है कि वो जो जीत उनको 2014 या 19 में मिली थी, वो उसको लेकर अभी कंफर्म नहीं है। और जब आप कंफर्म नहीं होते हो तो एक फांसीवादी सत्ता, एक बौखलाई हुई फांसीवादी सत्ता ये सब करती है, वो ऐसी वॉइसेस को क्रश करने की, ऐसी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती है जो उनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। वो अभी आज मैं तो ये कहूँ 2014 से लेकर अब तक, और अब तो ये और ज़्यादा तेज़ हुआ है, कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन आपको पता है ना, अब जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट क्या है, ये भी बड़े कंट्रोल्ड तरीके से होते हैं। आप 5 बजे तक प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप इतने टाइम तक कर सकते हो, आप माइक नहीं यूज़ कर सकते हो। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सरकार इस वक्त हर विरोध से घबराई हुई है। तो मोदी सरकार तो इंडिया गठबंधन को बता रही है कि इंडियन मुजाहिदीन से और स्टेडियम में तुमसे तुलना कर रही है। देखिए, ये तो अब इसका क्या हम जवाब दे सकते हैं, आप वो तुलना कर रहे हैं तो ये उनकी भी एक तरीके से दिखा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं इस अलायंस के बनने से प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं एक बात जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, देखिए, ये अलायंस भी बन जाएगा, और अगर ये अलायंस जीत भी जाए तो भी ये फांसीवाद की मुकम्मल हार नहीं होगी, ये हमें जानना चाहिए। देखिए, 2004 में UPA 1 बनी, 2009 में UPA 2 बनी, और देश की एक बहुत बड़ी जो लिबरल आबादी है, प्रोग्रेसिव तबका है, वो काफ़ी खुश हुआ कि फांसीवाद हार गया। नहीं हारा था, आपने उनको इलेक्टोरल एरिना से बाहर कर दिया था, लेकिन RSS के तौर पे तब भी फांसीवादी ताकतों की मौजूदगी थी, VHP बजरंग दल जो इनकी गुंडा वाहिनी है उनके तौर पे उनकी मौजूदगी थी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इनकी कोई भी चुनाव के मैदान में कोई भी शिकस्त, उससे ऑब्वियसली इनको फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मोदी और अमित शाह और मोहन भागवत को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली इससे फ़र्क पड़ता है, इसीलिए तो ये बयान दे रहे हैं। लेकिन ये फांसीवाद की मुकम्मल हार नहीं है, और हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जब तक आज अगर इनका अलायंस जीता या कोई थर्ड अलायंस बनता और ये नहीं आते, तब भी जनता के रियल इश्यूज़ पर जब तक कोई जुझारू जन आंदोलन, जब तक कोई मिलिटेंट मास मूवमेंट नहीं खड़ा होता है ना,
बेरोजगारी का मसला हो, बढ़ती महंगाई का मसला हो, बढ़ती सांप्रदायिकता का मसला हो, अगर इन पर कोई आंदोलन नहीं खड़ा होता है, कोई भी जीत के आएगा हारेगी जनता। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे रियल इश्यूज पर हम यूनाइट हों, मोबिलाइज हों, और जो भी सत्ता में 2024 में आए उसको हम अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर करें। लेकिन ये कहने के बाद भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज देश की आवाम के सामने जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मोदी सरकार के रूप में आरएसएस, बीजेपी के रूप में ये लोग हैं, जो देश को दंगों की आग में झोंकने का काम, देश को अंधर राष्ट्रवादी उन्माद में झोंकने का काम कर रहे हैं। और इनसे ना सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है बल्कि इनके खिलाफ उठ खड़े होने की। मैडम रानी जी, दिल्ली पुलिस तो कह रही है ना कि विदेशी फंडिंग हो रही थी उसी चीन से जिस चीन को जो है मोदी जी लाल आंख दिखाते थे। और फिर G20 में जब उनके प्रीमियर यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ फोटो भी खिंचवाते, इतनी लाल आंख दिखा रहे थे तो उनको बुलाना नहीं चाहिए था ना G20 समिट में। ये सब कहने की बात है। विदेशी फंडिंग का जहाँ तक सवाल है तो विदेशी फंडिंग आपने न्यूज़ क्लिक की ही या इन तमाम पत्रकारों की ही आप क्यों उसकी जांच करना चाहते हो? आप वी न्यूज़ की भी करो, रिपब्लिक टीवी की भी करो, टाइम्स नाउ की भी करो, NDTV की भी करो, इन सब की भी करो। इन सब को छोड़िए, आप RSS की करो, आप VHP तो विश्व हिंदू परिषद है, विश्व के तमाम हिंदुओं की परिषद है, उसकी विंग्स हैं, आप इनकी फंडिंग की जांच क्यों नहीं करते हो? आपको एक ही तरह के आवाज़ों को जो है आपको लगता है कि वो करते हैं। अभी ये कौन नहीं जानता है कि अडानी जी का कितना निवेश है चाइना में, ये देशद्रोह नहीं है? मैडम जिस तरह से क्यों नहीं मोदी सरकार इसके खिलाफ एक्ट करती है, ये कहने की बात है। चाइना से कहीं ना कहीं मोदी जी खौफ तो खाते हैं, ये लाल आंखें दिखाने वाली बात जो है गले से उतरती नहीं है, ये कहने की बातें होती हैं। और पाकिस्तान को लेकर भी वो जो तमाम बयानबाजी, लेकिन हो नहीं पा रहा है, पाकिस्तान की तो भी आंतरिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो उनसे क्या ही वो करें, लेकिन हाँ ऐसा कुछ युद्धोन्माद भड़काने का काम तो कर ही सकती है मोदी सरकार। मैडम जिस तरह से कल अभिषेक शर्मा को हिरासत में लिया गया, 10 घंटे उनसे पूछताछ हुई, उसके पीछे क्या मकसद है बीजेपी का? यही मकसद है, देखिए कि चाहे वो अभिसार शर्मा हो या तमाम इस तरीके के जो फांसीवाद विरोधी आवाज़ें हैं, उनको हम कहीं ना कहीं इंटिमिडेट करें, उन्हें डराने का काम करें। या तो आप उनको बंद करवाएंगे, या आप उन्हें डराएंगे, या ऐसे फंडिंग वंडिंग के मामले में उलझा के जेलों में भरेंगे, यही तो कर सकते हैं ना, वो करेंगे। और सरकार ये करिए, देखिए इतना तय है कि इस टाइम जो डराने का काम दूसरे को करता है, ये नहीं भूलना चाहिए वो खुद डरा हुआ है, वो डरे हुए हैं, वो इससे डरे हुए हैं कि आज लोग अब उनके प्रचार में उस तरीके से नहीं आते हैं जिस तरीके से पहले आ रहे थे। वो बार बार थोड़ी, अब आप कितनी काट की आंटी कितनी बार चढ़ेगी ना, वो हम करके देख लिया। वो अब ये देखिए क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इन्होंने नूह में एक्सपेरिमेंट ही किया था, फेल हो गया, और कोई ताज्जुब की बात है। वो दिल्ली में भी ये सब करना चाह रहे थे कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में, नांगलोई वगैरह में भी उस टाइम पर ये सब करने का हो रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। तो ये अब देख रहे हैं, अब यही फंडिंग वंडिंग का मसला बना के कुछ चीन के साथ कर ले। और ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, देखिए सत्यपाल मलिक जी कितने करीबी थे बीजेपी के, आरएसएस के, उन्होंने तक कहा कि कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि 2024 से पहले राम मंदिर पे कोई आतंकी हमला हो जाए, नए संसद भवन पे कोई आतंकी हमला हो जाए, जब पुलवामा हो सकता है, पुलवामा मोदी जी के टाइम में हो गया, संसद का हमला वाजपेयी जी के टाइम में हो गया, ये सारे हमले इन राष्ट्रभक्तों के टाइम में, राष्ट्र की अच्छे से लगता है सिक्योरिटी सेफ्टी कर नहीं पा रहे हैं, ये सारे हमले इनके टाइम में हो कैसे जाते हैं ये नहीं समझ में आता है, लेकिन इन्हीं के अंदर के आदमी बता देते हैं कि हमले होते नहीं हैं, हमले करवाए जाते हैं। कुछ देखिए, दंगा तो कभी स्पॉन्टेनियसली होता नहीं है, दंगा भड़काया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, और वो मैन्युफैक्चर की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो RSS है, वो फैक्ट्री असेंबली लाइन पे खट 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 जो है वो दंगों का निर्माण करती है। तो अब ये बार बार आप वही सब चीज़ें करेंगे ये चलेगा नहीं, लेकिन तब भी आज जनता को ये बात समझनी होगी कि इन सारे इश्यूज़ पर हम चुप नहीं बैठ सकते, और हमें अपने आँख नाक कान खुले रखने होंगे, क्योंकि ये करेंगे, और ये जितने ज़्यादा बौखलाएंगे, जितने ज़्यादा इनको अपनी हार करीब दिखेगी, ये उतना इस तरीके की हरकतें करेंगे। 24 से पहले पत्रकारों पर इस तरीके का छापे पड़ना, क्या लगता है कि उनको डराने की कोशिश कर रही है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल डराने की ही कोशिश कर रही है, और ये कोशिश इसलिए कर रही है ताकि एक ही किस्म का नैरेटिव प्रिवेल करे,
जो कि इनका गोदी मीडिया है, जो दूरदर्शन से भी ज़्यादा इस वक्त जो है सरकारी चैनल बन चुके हैं, वो एक तरह का नैरेटिव वो हो, और वो चल नहीं पा रहा है ना अभी, क्योंकि अब इन सब की भी व्यूअरशिप तो ठीक ठाक हो जाती है, सारे यूट्यूब चैनल्स की अगर व्यूअरशिप देखें उनकी हो जाती है, और ये सरकार को प्रॉब्लम उनके लिए बनती है। तो पत्रकारों पर हमला इसी तरीके, लेकिन इस तरह के पत्रकारों पे, बाकी पत्रकारों को तो खुली छूट है, जैसे प्रेस की फ्रीडम इन्होंने दे रखी है, दंगा फैलाने की फ्रीडम जी न्यूज़ को मिली हुई है, उन्माद फैलाने की फ्रीडम रिपब्लिक टीवी को मिली हुई है, टाइम्स नाउ को भी, बिल्कुल रमेश भिदुड़ी जैसे लोग जो संसद के अंदर संसदीय भाषा में उनके जो मुखारबिंद से जो पुष्प वर्षा हुई थी वो बताई देता है कि अच्छा ये देखिए कितने, ये पहले बोलते थे ये फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं जो मॉब का हिस्सा बनते हैं, रमेश भिदुड़ी तो इनका चुना हुआ सांसद है, ये फ्रिंज है, ये तो इनका चुना हुआ सांसद है, आरएसएस का बंदा है, एबीवीपी में पहले उसका छात्र नेता था, ये अभी इनकी जांच ही चल रही है, इसको सस्पेंड क्यों नहीं किया है, इसको तो निकाल के बाहर करना चाहिए। तो ये बौखलाई हुई सरकार है अब पत्रकारों पर इस वजह से, जो असली पत्रकार है, जो पत्रकार होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, उनको वो प्रताड़ित करने का काम कर रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।